हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चावल के आटे का क्रिस्पी डोसा। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चावल के आटे का डोसा बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप चावल का आटा। अब हम इसको जार में डाल देंगे। अब हम इसी कप से पानी डालेंगे। अब हम इसमें इसी कप से 2.5 कप पानी डाल देंगे। अब हम इसको 30 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए, हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज, 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, 1 ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और बस, अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। और ये देखिए, हमारा डोसे का बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम तवे को गरम करेंगे और उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर डोसे को सिकने देंगे। किनारों पर ऑयल लगा देंगे। ये देखिए, हमारा डोसा अब सिकना शुरू हो गया है। ये देखिए, डोसा हमारा सिककर अच्छे से तैयार हो गया है। हमारा चावल का डोसा बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।